Hello students, welcome to Easy Biology Tutorials, and today we are going to start with the metaphase stage of the meiosis. In the last class we had completed with the prophase. Prophase mein humne dekha tha jo hamara meiosis ka prophase tha uske andar we had the stages leptotene, zygotene, pachytene and diakinesis. Now we are going to start with the metaphase. Students, metaphase 1 ke andar the spindle formation is completed. The chromosomes align on the equatorial plate. The microtubules from the spindle attach to the pair of homologous chromosomes. तो जो भी मेटाफेज माइटोसिस के मेटाफेज के अंदर हो रहा था वही सब मियोसिस के मेटाफेज के अंदर हो रहा है. जो भी प्रोफेज के माइटोसिस के प्रोफेज में हो रहा था वो सब मियोसिस के डायकाइनेसिस प्रोफेज के डायकाइनेसिस फेज के हो रहा है. लेकिन बाकी सारा कुछ क्या है, बिल्कुल सेम है. So, हम देख रहे हैं कि स्पिंडल फॉर्मेशन हो चुकी है. द क्रोमोसोम हैव बीन अलाइंड ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट एंड वो क्या हो चुके हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैव बीन पेयर्ड, पेयरिंग हो चुकी है. देन द एनाफेज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट व्हाइल द सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमेयर्स. ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या आ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. हालांकि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दे रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर्स. सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो क्या हो चुके हैं, वो सेपरेट हो चुके हैं. तो स्टूडेंट्स व्हाट इज दिस केस, द केस इज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. This is the first pair of the chromosome. ये दोनों क्या हो जाएंगे, separate हो जाएंगे. लेकिन ये जो sister chromatids हैं, अभी भी क्या है, ये साथ में है. In the telophase, the nuclear membrane and the nucleolus reappear and two haploid daughter nuclei are formed. This is called dyad. What is a dyad? The nuclear membrane reappear, two haploid daughter nucleuses are formed. This is called a dyad. After this, the cytokinesis may occur or may not occur. After a short interphase, it is followed by meiosis II. This is short stage between the two meiotic divisions and it is known as a interkinesis. So students, in the case of meiosis, there is meiosis 1, then interkinesis, then meiosis 2. So what is interkinesis? It is the resting phase, the gap phase. And the DNA replication is not occurring in this phase. The DNA replication does not occur in this phase. Now we are coming at the meiosis 2. Abhi cytokinesis na hi DNA replication hone wali hai interkinesis ke andar.
एंड साइटोकाइनेसिस में और मे नॉट टेक प्लेस. ठीक है, हो सकता है कि चारों के चारों सेल्स जो है मियोसिस टू के बाद वो एक साथ फॉर्म हो जाए, या फिर हो सकता है कि वो दो कॉन्जिक्यूटिव सेल्स से फॉर्म हो रहे हो. सो इट रिजेंबल्स द माइटोसिस. इट हैज द फोर फेजेस, द प्रोफेज टू, द मेटाफेज टू, द एनाफेज टू एंड टेलोफेज टू. दे आर एज सेम पी मैट की तरह ये बिल्कुल सेम हो रहे हैं. जैसा पी मैट था पहले, वैसे ही मियोसिस टू के अंदर पी मैट है. प्रोफेज टू, इट इज इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस. द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कम्पैक्ट. द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन बोथ द न्यूक्लियाई. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोफेज टू कब हो रहा है? जब साइटोकाइनेसिस हो जाएगी इंटरकाइनेसिस के बाद, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी तो साथ के साथ प्रोफेज टू शुरू हो जाएगा, क्योंकि सेल को पता है कि अभी उसे क्या करना है, माइटोसिस करना है. मियोसिस टू इज रिजेंबलिंग द माइटोसिस एग्जैक्टली. द क्रोमोसोम्स अगेन बिकम कॉम्पैक्ट. द न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर इन बोथ द nuclei. In both the nuclei, the nucleolus and nuclear membrane are being disappearing because they're preparing for the further karyokinesis or the nuclear division. The chromosomes align at the equator and the microtubules from opposite poles of the spindle get attached to the kinetochores of the sister chromatids. So the chromosomes are aligning at the equator and the microtubules are getting attached to the kinetochores of the sister chromatids. So, बिल्कुल सेम जो मियोसिस माइटोसिस के मेटाफेज में हो रहा था, मेटाफेज टू के अंदर वही सेम हो रहा है. एंड नाउ द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर बीइंग सेपरेटेड. एनाफेज के अंदर इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोजोम विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमैटिड्स टूगेदर. Thus, they move towards the opposite poles of the cell. Now, anaphase ke andar kya ho raha hai? Metaphase 2 ke andar, that was being attached. All the spindle apparatus was being attached. And now, all the two arms, that is the sister arms, are being separated. Next is the telophase. And telophase is the last phase of the meiosis 2. The two groups of chromosomes once again get enclosed by a nuclear envelope. The cytokinesis follows, resulting in the formation of tetrad of cells, that is the four haploid daughter cells. The two group of chromosomes, that is this chromosome and this chromosome. Ye dono kya ho rahe hain? Ye dono separate ho rahe hain. The two group of chromosomes once again get in by a once again get enclosed by the nuclear envelope. The cytokinesis follows, resulting the formation of tetrad of cells, that is four haploid daughter cells. Now four haploid daughter cells have been resulted. Next you can see that meiosis ke andar overall steps kya ho rahe hain. First step is the prophase 1, then metaphase 1, then anaphase 1, then telophase 1. Prophase 1 ke andar kya ho rahi hai? Synapses ho rahi hai. And then they are being separated. Overlapping recombination ke baad, they are being separated. Metaphase 2 ke baad kya ho rahi hai? Ye jo homologous chromosome ke pairs the, wo kya ho rahi hai? Separate ho rahi hai. In the telophase, wo unki kya ho gai? Cytokinesis ho chuki hai. In the prophase 2, ये जो sister chromatids हैं, the further sister chromatids are being separated. हम देख सकते हैं anaphase 2 के अंदर दो sister chromatids क्या हो चुके हैं, separate हो चुके हैं. And telophase के अंदर उनके अंदर जो nucleuses हैं, वो चार nucleuses के अंदर divide हो चुके हैं. And thus, in this way, the meiosis results in the formation of four haploid cells. What is the difference between the meiosis 1 and meiosis 2? Here is the parent cell. It is undergoing the interphase and then it is entering the prophase 1.
तो मेटाफेज के अंदर क्या हो रहा है, मेटाफेज के अंदर दे आर बींग सेपरेटेड, द होमोलोगस स्पिंडल एपरेटस फॉर्म हो रहा है जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स को सेपरेट कर रहा है, एंड इन द टीलोफेज द कैरियोकाइनेसिस इज फर्दर टेकिंग प्लेस. वॉट इज हैपनिंग इन द मियोसिस टू, इन द मियोसिस टू द क्रोमोजोम्स की जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं दे आर बींग सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ द स्पिंडल एपरेटस एंड अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन टू फोर हैप्लॉयड सेल्स. ये जो दो सेल्स हमारे पास फॉर्म हुए थे ये दो सेल्स फर्दर क्या कर रहे हैं, डिविजन कर रहे हैं. नाउ इवेंचुअली आई थिंक दैट यू हैड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस. अगर आपको क्वेश्चन आएगा दैट राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस, आई होप यू कैन राइट दैट डिफरेंस. So what is the significance of meiosis? It conserves the chromosome number of each species. अगर meiosis नहीं होगी तो हर generation में क्या होता रहेगा, chromosome का number double होता रहेगा, double होता रहेगा. So we have to take care of this thing that the chromosome number has to be same. अगर chromosome का number double हो गया, triple हो गया या उसकी ploidy level पे कोई फर्क पड़ गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जेनेटिक सीक्वेंस के अंदर. हो सकता है चार आंखें आ जाएं किसी की, छह आंखें आ जाएं, इट वुड डिपेंड अपॉन दिस काइंड. सो मियोसिस, द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस इज दैट इट इज हैविंग, इट इज कंजर्विंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ ईच स्पीशीज. इट इज ऑल्सो कॉजिंग द जेनेटिक वेरिएशन दैट इज हायर. जो हमारे पास कैरेक्टर्स हैं दे आर बीइंग सिलेक्टेड, रिसेसिव कैरेक्टर्स के सिलेक्ट होने का कम चांसेस हैं इन द पॉपुलेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन, ऑफ कोर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन. सो ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. आई होप यू गॉट इट एंड आई होप यू लाइक्ड इट. आपको सारा टॉपिक समझ आ गया होगा. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. Students, so abhi we are going to start with the next topic, that is biomolecules. So yes, let us start with the biomolecules. This is the last chapter of our 11th class. इसके बाद हमारा जो 11th class का सारा topics हैं, that would end. Let's start with the biomolecules. What are biomolecules? So starting with the introduction of the biomolecules, biomolecules are chemical compounds found in the living organisms. They include the organic and inorganic compounds. So biomolecules ke andar, biomolecules are basically the molecules of life. Iske andar hamare paas organic compounds bhi hote hain and inorganic compounds bhi hote hain. Analysis of a chemical composition of a tissue. हम क्या कर रहे हैं, ग्राइंड अ लिविंग टिश्यू. यू कैन ग्राइंड अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लिवर इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, दैट इज CCl3COOH ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड. एंड हम क्या बना रहे हैं, थिक स्लरी बना रहे हैं. द व्हाट इज स्लरी, स्लरी इज द मिक्सचर ऑफ द टिश्यू एंड वाटर. Then we are straining this through the cheese cloth or cotton to get two fractions such as filtrate and retinate, acid insoluble fraction and acid insoluble fraction. Filtrate में क्या आएगा, हमारे पास पानी वाला सारा substance आएगा, that is acid soluble pool.
इट कंटेन्स द बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स दैट इज विच इज हैविंग द मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन. एंड रेटिनेट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन आएगा दैट इज कंटेनिंग द बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूलर वेट इज ग्रेटर देन द 1000 डाल्टन. तो जो ऊपर वाला मोटा मोटा पार्ट है सारा दैट इज द रेटिनेट, एंड जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज द फिल्ट्रेट. हाँ जी. नाउ हाउ आर वी एनालाइजिंग द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? वी आर वेइंग अ लिविंग टिश्यू दैट इज द वेट वेट एंड इट इज ड्राइड दैट इज द ड्राई वेट to evaporate water. Now it is fully burned to oxidize all the carbon compounds to gaseous form, that is carbon dioxide and water, and it forms the ash. This ash consists of the inorganic elements. देखो organic elements की composition को समझने के लिए हमने क्या किया था, we composed a slurry, हमने slurry बनाई थी, slurry से हमें organic components का पता चला था, and हमने inorganic components को समझने के लिए we had took up the ड्राई वेट क्या किया, हमने लीव्स ले लिया, कोई भी पार्ट कर ले लिया उसका, उसको हमने पहले ड्राई किया मतलब उसमें से सारा पानी निकाला, फिर उसको बर्न किया. बर्न करने के बाद जो एशेस बच गए, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है स्टूडेंट्स, दे आर नेवर गोइंग टू हम बोल सकते हैं दे आर नेवर गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड. तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जैसे सोडियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे. जैसे आपने सुना होगा कि हड्डियां बर्न होने के बाद भी उनमें जो कैल्शियम होता है दैट इज रिटेन्ड. हड्डियां बर्न नहीं होती हैं, दे डोंट इवन डीकम्पोज, दे डोंट बर्न करने के बाद भी वो क्या फॉर्म कर लेती है, ऐश फॉर्म कर लेती है. तो द ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स सच एज कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सल्फर ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट एक्सेट्रा. So, ये सारे हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड. देन वी आर हैविंग द एलिमेंट एंड द परसेंट वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी. हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.14% है, ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.5 है. कार्बन 0.03, लेकिन कार्बन ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा है, दैट इज 18. ऑक्सीजन अर्थ क्रस्ट के अंदर 46 है, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन इज इट इवन मोर, है ना. हाइड्रोजन का अमाउंट कम है, बाकी कार्बन एंड ऑक्सीजन एंड उनका अमाउंट क्या है, ज्यादा है. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन वेरी लेस अमाउंट इन द अर्थ क्रस्ट. द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी वेरी लेस इन आवर बॉडी. In the earth crust, but in the body, it is weighing more than 3%. Because proteins, jo hai, they are important constituents of the body and they are made up of nitrogen. Then sulfur, earth crust mein kam hai and human body mein usse zyada hai. Sodium, earth crust mein zyada hai, human body mein kam hai. So students, now you can see कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ CHO एंड N के बने होते हैं. दीज आर ऑल जो फर्स्ट फोर कंपाउंड्स हैं, दे आर मेकिंग अप द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एंड उसके बाद जो नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन है, दे आर मेकिंग अप द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सोडियम इज 2.8% इन द अर्थ क्रस्ट. तो स्टूडेंट्स, ये क्या बताया गया है कि जो अर्थ क्रस्ट के अंदर एलिमेंट्स हैं, सारी की सारी एलिमेंट्स आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी एज वेल. सो इट इज टोल्ड.
कैल्शियम इन द अर्थ क्रस्ट इज 3.6, इन द ह्यूमन बॉडी इज 1.5, मैग्नीशियम इन द अर्थ क्रस्ट इज 2.1 एंड इन द ह्यूमन बॉडी 0.1, सिलिकॉन इज 27% एंड वी डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सिलिकॉन इन द ह्यूमन बॉडी. So this was all about the comparison of the elements in the non-living and the living matter. In the next class, we are going to start from this topic. We are going to continue from here only. Till then, thank you, students, and have a nice day.